Dear students and viewers, assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel, Zach Chemistry. Today's topic is about safety measures during lightning. तो इससे पहले हमने process lightning के बारे में पढ़ा था, तो आज हम हमारा जो topic है, it is about the safety measures that are taken during the process of lightning or that are taken during the process of thunder. The first safety measure which we must take during the process of lightning is that we must find a safe place. Finding a safe place is the first major ज्यूरिंग प्रोसेस ऑफ लाइटिंग. तो जो हमारा जो मकान होता है, जो हमारा जो हाउस होता है, या जो हमारा जो होम होता है, जो हमारा घर होता है, इससे बेहतर सेफ प्लेस कोई भी नहीं है जिसे हम अपने आप को बचा पाए ज्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लाइटिंग. सो हिन्स वी मस्ट स्टे इंडोर्स, या अगर हम कभी भी मतलब आउटसाइड हूँ तो हमें हमेशा उस जगह पे बैठना है जो जगह क्या है जो हमारे लिए सेफ है. यानी जैसे कि हमें किसी दरख्त के नीचे नहीं बैठना है, हमें किसी पोल के नीचे नहीं बैठना है, या हमें किसी महल हमें खासतौर पर जो हमारे जो ये होते हैं मतलब ओपन व्हीकल जो होते हैं इन पर हमें नहीं बैठना है. हमें हमेशा क्या करना है, हमें एक सेफ जगह, एक महफूज जगह को ढूंढना है, तो वहाँ पर हम स्टे कर सकते हैं ज्यूरिंग प्रोसेस ऑफ लाइटिंग. तो ये सबसे पहला सेफ्टी मेजर है लाइटिंग के दौरान. दूसरा जो है, डू नॉट सिट इन ओपन फील्ड्स एंड ऑटोमोबाइल्स. यानी हमें खेतों में या हमें ग्राउंड में या ओपन ग्राउंड में, ओपन फील्ड्स में या ओपन गार्डन्स में नहीं बैठना है जिस वक्त भी लाइटिंग हो रही हो, या ओपन ओपन ऑटोमोबाइल जो है, जो टू व्हीलर्स हैं, तो या इवन कि कुछ जो होते हैं मतलब फोर व्हीलर्स भी जो ओपन होते हैं, जिन पर छत वत नहीं लगे होते, उन पर भी हमें नहीं बैठना चाहिए. क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको लाइटिंग के दौरान बार पढ़ाया था, इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ कि मतलब यहाँ पे जो लाइटिंग है, दिस लाइटिंग प्रोसेस ऑकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस. तो ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो है, इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस कभी कभार ओपन फील्ड में बढ़ सकती है या ओपन ऑटोमोबाइल में बढ़ सकती है. इस प्लस को हम क्या कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं. इस वजह से हमें इन ओपन फील्ड या ओपन ऑटोमोबाइल्स में नहीं बैठना चाहिए. कैरिंग अम्ब्रेला, यानी अम्ब्रेला जो है, अम्ब्रेला में एक्चुअली क्या है कि अम्ब्रेला इज मेड अप ऑफ द मेटेलिक एनी मेटेलिक सब्सटेंस. इट कैन बी ऑफ कॉपर और इट कैन बी ऑफ एल्यूमिनियम और इट कैन बी ऑफ टिन समटाइम्स. ऑल दी सब्सटेंस आर मेटल्स. दिस अम्ब्रेला कैन एक्ट एज द कंडक्टर फॉर दिस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज समटाइम्स एंड इट विल कॉज डेथ एंड डिस्ट्रक्शन. सिटी अवे फ्रॉम टॉल ट्रीज, जो कि दरख्त होते हैं, लंबे जो दरख्त होते हैं इनके नीचे, वी मस्ट नॉट स्टे अंडर दीज टॉल ट्रीज. अगर हम कभी कभार किसी जंगल में जाएंगे तो वहाँ पे जो दरख्त है वो काफ़ी लंबे होते हैं, हमें किसी ऐसे दरख्त के नीचे बैठना जो कि शॉर्ट है, क्योंकि लंबे दरख्त जो है उन पर लाइटनिंग कभी स्ट्राइक कर सकता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है. स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पोल्स, जो इलेक्ट्रिकल पोल्स या कोई भी आयरन पोल किसी जगह होता है, तो या किसी कोई आयरन स्ट्रक्चर होता है जैसे कि बस स्टैंड होता है, तो यहाँ इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए ये लाइटिंग प्रोसेस के दौरान. क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिकल पोल्स होते हैं, ये जो ये आयरन पोल्स होते हैं, दे बिकम एज दे एक्ट एज द कैरियर ऑफ दीज दिस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज. यहाँ इलेक्ट्रिक जो लाइटिंग है ये इन्हीं पर स्ट्राइक कर सकते हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा. वी मस्ट जो वैन वी विल बी इन साइड आवर होम्स, हमें सबसे पहले जो हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन हैं या जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, जो ऑर्डनरी फ़ोन्स हैं, देखिए लैंडलाइन में क्या होता है, उसमें वो एक्चुअली कार्ड होता है. हमें सिर्फ उन फ़ोन का इस्तेमाल करना जो कि कार्डलेस फ़ोन है, लाइक मोबाइल फ़ोन है, या जो बाकी फ़ोन्स हैं जो कि कार्डलेस होंगे, जिनमें कि दैट विल नॉट बी कनेक्टेड विद दैट वायर. जब हम बात करते हैं और जो हमारा रिसीवर होता है वो एक्चुअली कनेक्ट किसी कार्ड के साथ नहीं होनी चाहिए, वो किसी तार के साथ कनेक्ट नहीं होनी चाहिए. तो ऐसी फ़ोन जो होते हैं जो कि जिनमें कि कार्ड्स लगे हुए होते हैं, जो कि लैंडलाइन फोन जो है, दैट बिकम प्रोन टू लाइटिंग, उन पर लाइटिंग से ट्राई कर सकते हैं. तो इस दौरान हमें इन फोनों को क्या करना चाहिए, इनको बंद करना चाहिए. अलबत्ता हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन जो है कार्डलेस फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनमें तार लगी नहीं होती है, तो इस वजह से वो लाइटनिंग जो है वो काफ़ी कम स्ट्राइक कर सकती है. इसके अलावा जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, यानी टीवी होता है, रेडियो होता है, इवन के आयरन होता है, या इन्वर्टर होता है, फ्रिज होता है, वॉशिंग मशीन होती है, या बाकी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हमें बंद करना चाहिए. क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, ये यूजुअली क्या करते हैं, दे विल कंडक्ट दिस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, दे विल कंडक्ट दिस लाइटनिंग एंड इट विल कॉज मच डैमेज टू वी पीपल. तो हमें एक और सब्सटेंस भी है, एक डिवाइस भी है, लाइटनिंग कंडक्टर. अगर किसी जगह कोई भी फैक्ट्री है या कोई भी इंडस्ट्री है या
हमारी जो हाउसेस हैं इन पे हमें लाइटनिंग कंडक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये लाइटनिंग कंडक्टर क्या है, एक्चुअली एक ऐसा डिवाइस है जिसकी वजह से हम बिल्डिंग्स को, जिसकी वजह से हम फैक्ट्रीज को, जिसकी वजह से हम किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग को, जिसकी वजह से अपने मकान को हम किससे बचा सकते हैं, लाइटनिंग से बचा सकते हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है, इस लाइटनिंग कंडक्टर में इसमें एक्चुअली एक मेटल रॉड होती है, एक मेटल रॉड। ये जो एक मेटल रॉड है इसका जो एक सिरा है, एक साइड जो है वो हम आयर की तरफ रखते हैं, इन द आयर आयर की तरफ रखते हैं, या वी पुट इट टुवर्ड्स द स्काई स्काई। वो जो जो दूसरा हिस्सा है उसको हम दैट इज पुट डीप इनसाइड द ग्राउंड और डीप इनसाइड द अर्थ। तो जब भी इलेक्ट्रिक, जब भी लाइटनिंग इस पर स्ट्राइक कर सकते हैं, जो ये मेटल है, मेटल इसी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को कंडक्ट करके सीधे जमीन में ट्रांसफर करती है, ग्राउंड में ट्रांसफर करती है। इस वजह से जो ये बिल्डिंग्स हैं, जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये किससे बच सकते हैं, ये लाइटनिंग से बच सकते हैं। सो ये दिस वॉज ऑल अबाउट द सेफ्टी मेजर जो लाइटनिंग। तो आज के लिए इतना ही, हैव ए नाइस डे।